नमस्कार दोस्तों, लेखपाल के संबंध में एक बहुत ही जरूरी सूचना के साथ आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं। क्योंकि UP SSSC PET के द्वारा आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आगे जो आपकी अगली वैकेंसी आनी है वो मुख्य परीक्षा होनी है, जो कि आपका लेखपाल प्रस्तावित है। और लेखपाल में अभी तक सुनाई पड़ रहा था 8300 वैकेंसी, 7500 वैकेंसी, लेकिन अब शासन के द्वारा ठीक है रिक्त पद जो कि आपके 3 वर्ष में 17-18 में, 18-19 में और 19-20 में जो आपके 3 सालों में रिक्त पदों की आपकी जो है लेखपाल की सूचना मांगी गई है, विभिन्न जिलेवार भेजा गया है, प्रेषित किया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो 2 सालों से चल रहा, भाई UP SSSC PET का आपका की परीक्षा हो चुकी है और PET का आपका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, तो इसके बाद एक तो आपका ANM की वैकेंसी आनी है और दूसरी चीजें आपकी आनी है लेखपाल की, ठीक है। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो इन सब की भी वैकेंसी आएगी, अभी आपका सबसे पहले यही आनी है। तो लेखपाल के लिए यानी ये सूचना अब आप वो मान के ना चलें कि नहीं सर ये 2 साल पहले से चली आ रही है तो ये आपकी वैसे ही आएंगे, नहीं, इस बार PET का आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है और आपके शासन के द्वारा ये त्वरित सभी विभागों को उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। आपके आयुक्त एवं सचिव की तरफ से भेजा गया है जो राजस्व परिषद यानी लेखपाल की जो है वैकेंसी के लिए, और जितने भी मंडल आयुक्त हैं उन सभी को भेजा गया है और ये आपकी 28 अक्टूबर की नोटिस है जो कि आपकी एक तरीके से गोपनीय है, सभी उसमें भेजा गया। यहां से सभी से ये कहा गया है कि आप 17-18, 18-19 और 19-20 के श्रेणीवार रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त करते हुए रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग विभूति खंड लखनऊ जो है गोमती नगर को प्रेषित करें। तो इसमें कई चीजें, कई तथ्यों का ऐसा उल्लेख किया गया जो आपके विभिन्न सुधार किए गए विज्ञप्ति को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, यानी अब आप ये मान के चलिए कि यह चीजें आपकी लेखपाल जो प्रस्तावित थी वो चीजें आपकी अब आनी ही आनी है। और साथ ही साथ इसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि जो आपके लेखपाल के पदों का विवरण है उसमें गतिशीलता है और गतिशीलता के लिए इसमें आपकी एक डेट निर्धारित की गई है कि इस तिथि तक आप सभी को भेज ही भेज देना है, ठीक है। अगर उस तिथि की बात करें तो वो तिथि आपकी ध्यान दीजिए यहां पर दी गई है कि 1/11/2021 तक, 1/11/2021 तक सभी से कहा गया है, सभी विभाग का जो है आयुक्तों से, मंडल आयुक्तों से, कि आप 1/11/2021 तक आपके जिले में, आपके मंडल में जितने रिक्त पदों का ब्यौरा है उनकी जो है सूचना आयोग को विशेष तौर पर उपलब्ध कराइए, ठीक है। यानी लेखपाल की वैकेंसी आपकी कंफर्म हो चुकी है, अब आप लोग अपनी मेहनत एक दिशा में दीजिए। 2 साल से जो भटकाव चल रहा था, संस्थान के द्वारा कोर्स इसीलिए संचालित भी किया गया है, अब संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे कोर्स के लिए विशेष तौर पर अगर आपको केवल विशेष सब्जेक्ट पढ़नी है, हिंदी हो गया, ठीक है, या फिर आपके अन्य विषय हो गए जैसे ग्रामीण प्रवेश केवल आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, ये जानकारी अब आप सच्ची मानिए और अपनी तैयारी को एक निर्धारित दिशा की ओर बढ़ाइए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अरे सर 2 साल से 3 साल से, ऐसा कुछ नहीं भैया, अब कदम बढ़ चुका है, PET का रिजल्ट आपके सामने, इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए और एक विश्वास करते हुए और आगे की तैयारी अपनी ओर बढ़ाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी सूचनाएं होंगी आप टेलीग्राम से जोड़िए या नीचे संस्था के आपके नंबर चल रहे, ठीक है, बैच वगैरह के बारे में पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं।